सैमसंग गैलेक्सी A52। हाँ गाइज, आप लोग पता है यहाँ पे सैमसंग की तरफ से सैमसंग A52 आने वाला है, जो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। और भाई इस वीडियो में बात करने वाले इसी फोन के बारे में, जो ऑफिशियल पता चल गया है कि 17 मार्च को देखने मिल जाएगा। पूरा देखिए, जल्दी वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया। आज यहाँ पे जो सैमसंग का A52 होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। यहाँ पे सैमसंग आपको बहुत कुछ यहाँ पे देने वाला है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मैं यहाँ पे जो टाइटल में अनबॉक्सिंग डाला है मैंने, उसके ऊपर मैं क्यों डाल रहा हूँ अनबॉक्सिंग। देखिए, अनबॉक्सिंग मैं इसलिए डाला है क्योंकि अनबॉक्सिंग इसकी लीक आ गई थी। हाँ गई, A52 की जो अनबॉक्सिंग है वो लीक हो गई थी, और मतलब लाइक किसी को फ़ोन मिल गया हो तो उसने डाल दिया होगा, बट हाँ इसलिए मैंने जो है अनबॉक्सिंग टाइटल डाला है। और थोड़ा सा लाइक लोग इस वीडियो में आए और लाइक सही स्पेसिफिकेशन तक पहुंच सके, इसलिए भी मैंने थोड़ा सा इसको यूज़ किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो बिल्ड डिज़ाइन के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो मुझे भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन लगा। आई थिंक बहुत सारा कुछ कुछ लोगों को इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा होगा, बट मुझे पर्सनली इस फोन का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। जो लुक आप देखते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत प्रीमियम लुक यहाँ पे देखने मिल रहा है आपको सैमसंग के A52 में। यहाँ पर डिस्प्ले में बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्ले डिस्प्ले मिलेगा, जो सुपर एमोलेड होगा, सेंटर पंच होल होगी बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको रिफ्रेशिंग रेट भी देखने अच्छी मिलेगी, जो 120 रिफ्रेशिंग रेट देखने मिल सकती है। बट हाँ, ज़्यादा अभी लीक्स मुताबिक वो बोला जा रहा है कि 60 रिफ्रेशिंग रेट ही देखने मिलेगी, बट हाँ हो सकता है कि मिल जाए ज़्यादा रिफ्रेशिंग रेट। आगे बात कर लेता हूँ इस फोन के यहाँ पे चिपसेट के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ, ये दो चिपसेट मतलब फ़ोन आने वाले हैं, एक 4G और एक 5G। तो भाई अब जो 5G वाला है उसके बारे में बता दूँ, तो स्नैपड्रैगन 750G लीक्स है, और अब जो 4G होगा उसमें बोला जा रहा है स्नैपड्रैगन 720G मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो पर्सनली मैं इसमें खुश नहीं हूँ कि आप दो फ़ोन लॉन्च करो, एक ही फ़ोन लॉन्च करो जिसका प्राइस जो बहुत सही रखो, तो क्या होगा वही फ़ोन ज़्यादा चलेगा। आगे बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर आपको 64 MP का मेन कैमरा मिलेगा, क्वाड कैमरा का सेटअप है, मेन कैमरा 64 MP का होगा, अल्ट्रा वाइड एपर्चर माइक्रो लेंस आपको देखने मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा में 32 MP की आपको सेल्फी मिलेगी सेंटर पंच होल के साथ, तो आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो वो कैमरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहीं पे इस फोन की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो है वो 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, प्लस टाइप सी मिलने वाला है आपको, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे 25 से 27 वोल्ट ही होगा, जिससे मैं खुश नहीं हूँ पर्सनली, क्योंकि यार 25-27 वोल्ट मतलब पिछले बार भी यार ऐसे ही था। मैं M31S यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी 25 वोल्ट है, वो अराउंड 19,500 का भी, तो यार मतलब 20,000 रुपये के नीचे ये फ़ोन तो बहुत ऊपर जाने वाला है, मतलब बहुत प्राइस के ऊपर बहुत होगा इसका। तो यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों इतना एक्सपेंसिव है फ़ोन है और इतना कम वोट फास्ट चार्जिंग क्यों सैमसंग ने दिया है। UI में एंड्रॉइड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, एंड ये 1 UI 3.1 के साथ आपको देखने मिल जाएगा। ये है पूरा सैमसंग का A52, और ये फ़ोन जो है वो आपको देखने मिलने वाला है, बता देता हूँ 17 मार्च पर ही हो जाता है लोगों, 17 मार्च में मिलने वाला है, और इंडिया में भी हो सकता है 17 मार्च ही को देखने मिल जाए। और आप लोग को मैं बताऊँ कि आप लोग क्या लगता है, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है फ्री हैं, कोई आपको पैसा नहीं देना है गाइस। तो इस प्लीज़ मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे A52 के बारे में लास्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा कि देखिए, इंतज़ार मत करिए, मेरी बात मानते हैं तो भाई दूसरे फ़ोन भी आ रहे हैं उनका इंतज़ार करिए, क्योंकि फ़ोन बहुत ओवर प्राइस होगा। फाइनली प्राइस पर बात करता हूँ, तो इस फ़ोन का जो प्राइस है मैं आपको बता दूँ, इस फोन का प्राइस बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। मतलब 4G में बात करता हूँ तो 25 से 30,000 रुपये जाएगा, और जो 5G वेरिएंट होगा वो 35 से 40 हो सकता है। तो भाई समझ लो भाई कितना एक्सपेंसिव ये फ़ोन होने वाला है। तो अगर आप जब भी इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो आप जा सकते हैं लेने, और अभी टाइम है वैसे आने में। तो बस इस वीडियो को आप लोगों को वीडियो पसंद है, हम लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तक आपने नहीं किया है, क्योंकि हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि 10K हो जाएँ, फिर उसके बाद जो है वो आगे भी बढ़ते रहें। ठीक है, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।